हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रमज़ान के शुरू होते ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके खिदमत के लिए ये ट्रस्ट आगे आती है। और ऐसे शुरुआत में भी हमने आपको खबर दिखाया था कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लोगों की मदद की गई थी। और एक महीने का जो पूरा रमज़ान का ये महीना है, इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें सहरी का जो है यहाँ बंदोबस्त किया जाता है। लोग आकर यहाँ से सहरी लेकर जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 4 साल से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रमज़ान के महीने में सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। और अब ये धीरे धीरे संख्या जो है यहाँ पर हज़ारों तक पहुँच गई है, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने घर जो है यहाँ से सहरी लेकर जाते हैं। हालाँकि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आशिक गार्दी, इन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रहती है। और कुछ दिन पहले ही इन्होंने जो है विकलांगों के लिए भी उन्हें सामान मुहैया कराया था, और ऐसे में राशन वगैरह जो है ये ट्रस्ट मुहैया कराती है। लेकिन इस ट्रस्ट की एक अहम खासियत ये है कि जिन लोगों को ये कोई भी सामान देती है, जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनका फ़ोटो या वीडियो जो है ये शो नहीं करते हैं। सिर्फ जो ट्रस्ट के सामने से जो सामान वगैरह दिया जाता है वही सब दिखाया जाता है, और जो लेने वाले लोग हैं उनका किसी भी तरह से कोई भी चीज़ दिखाने के लिए इस ट्रस्ट की तरफ से साफ मना किया जाता है, कि ताकि इन्हें किसी भी तरह की शर्मिंदगी ना हो। बहरहाल 4 साल से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है लोगों की खिदमत कर रही है। और यहाँ पर जिस तरह से ये रात के समय सैयद अली भाई साहब अशरफ भी वहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आशिक गार्दी, उन्होंने क्या कुछ कहा, जो मेंबर हैं मुदस्सिर गार्दी, उन्होंने क्या जानकारी दी, और अन्य कई मेंबर हैं, तो उन लोगों ने सब क्या बताया है हम आपको सुनाते हैं। भाई साहब, पीस चैरिटेबल की तरफ से हर साल जिस तरह से शहरी के लिए लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है, इस साल भी उसी तरह से है और शायद तादाद भी बढ़ गई है, क्या बताना चाहिए? तादाद 1000 क्रॉस हो गई है, और पूरी कोशिश है, अभी मुदस्सिर भाई ने बताया कि ज़रूरतमंद ज़्यादा हो गए और लोगों को इस कमेटी की मदद करना चाहिए ताकि ये सिलसिला और बढ़ जाए। और जैसा मुदस्सिर ने कहा कि लोग आए और देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, और मेरा अपना ऐसा मानना है कि ठीक है, ये तो एक पार्ट है, हर एरियो के अंदर भी ऐसी शुरुआत करना चाहिए कि ताकि वो एरिया वहीं रोक दिया जाए। जैसे आप मुमरा गए तो मुमरा में हो जाए, ठाकुर पाड़े गए ठाकुर पाड़े में हो जाए, तो काफ़ी लोड कम होगा। और ये जो काम कर रहे हैं इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसका खैर तो अल्लाह ही देने वाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेंगे और ये लोगों की जो खाकसारी है और जो खिदमत खल का जज्बा है, अल्लाह इनको ऊपर कायम रखे कि आज ये 4 साल से 3 साल से जो कर रहे हैं ना, अल्लाह इनके उसको कबूल करे, उनके जज्बे को कबूल करे, इसका सवाब इनको अता करे, यही दुआ करेंगे। और इनके डोनर को अल्लाह दिन रात नहीं अदा करे, उनके उनके रिक्स में बढ़ोतरी अदा करें, खास करके हमारे अब्दुल अजीज माता रे साहब, तो मेरे लिए उनके लिए खास दुआ करता हूँ, माती उनके लिए दुआ करता हूँ, और तमाम सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इस काम में आगे बढ़ाए और उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। भाई साहब, यहाँ पर कौसा में ये सहरी के लिए जो इंतजाम किया जाता है, तो मुमरा में और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, यहाँ से ठाकुरपाड़ा तक भी लोग आ रहे हैं, मुझे जो मालूम पड़ा कि 2-3 फैमिली ठाकुरपाड़ा से भी आती है,
तरह 20 से पूरे लोग आते हैं, ये यहाँ के लोग नहीं, ये पूरे शहर के लोग हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लिस्टेड होते हैं उसके अलावा भी लोग आ जाते हैं। तो ये काम अगर हर तरफ शुरू होगा तो बेहतर होगा लोगों के लिए और रोजगारों के लिए भी, और ये जो लोग हैं इनके लिए। जगह तो मेरी नहीं है, जगह है ये कॉरपोरेशन की। हम सिर्फ कोशिश करते हैं और कोशिश का जो नतीजा तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी जो ये मेहनत कर रहे, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करे, क्योंकि देखो खिदमत जो है ना, हम इबादत करने से जन्नत मिलेगी और खिदमत करने से डायरेक्ट अल्लाह ताला मिलेंगे। खिदमत से खुदा है, इबादत से जन्नत। तो ये इबादत से भी बढ़कर है, जो है खिदमत हो रही ना, इबादत से ऊंचा काम है, समझे आप। और इतने लोगों को हैंडल करना है कोई छोटी बात नहीं है। तो बहुत पीस से, और जैसे नाम जैसा पीस है ना, वो पीस के हिसाब से ये लोग मेहनत करके लोगों को, जो बेचारे इतने लोग बैठे उन लोगों को राशन दे रहे, और ये जो लोग आए हैं, मैं हम लोग इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बेचारे लोगों, हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है इतनी देर बैठे, तो उनसे हम माजरत भी चाहते हैं। और आप यहाँ लेने आते हैं, इसके लिए हम सारे पीस ट्रस्ट की तरफ से और हम सब की तरफ से जितने लोग आए उनका हम बहुत शुक्रगुजार है। और इंशाल्लाह आइंदा और इसमें कैसी बढ़ोतरी हो, इंशाल्लाह उसकी भी हम बहुत जरूर कोशिश करेंगे। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, रमज़ान के शुरू से ही हमने देखा पीस चैरिटेबल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए आप हज़रात तक आ रही है। तो इन बातों को बार बार शाये करने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये खैर का काम हो रहा है, ये दो तरीके से, एक ज़रूरतमंद तक इस चीज़ को पहुँचाना है, और एक जो जरूरतमंदों की मदद कर सकते उन तक इस चीज को पहुंचाना है। तो इस काम की जो शुरुआत हुई थी, हमने पहले भी सुना है लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से किया आशिक भाई ने और उनकी पूरी टीम ने, छोटे पैमाने पर था, काम बड़ा था वो, लेकिन बहुत दिल लगी के साथ सबने मिलकर के किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 350 की तादाद है, वो इस वक्त 1000 के ऊपर क्रॉस हो चुकी है। यहाँ जो हमारे टीम में जितने लोग देख रहे हैं आप, जो खड़े हैं हमारे पीछे, ये रात के वक्त में पूरी रात जाग करके ये काम को करते हैं। यहाँ किसी को भी बुलाना नहीं पड़ता है फोन करके कि आप आइए, यहाँ पर ये काम की जरूरत है, ये करना है। ये दिल लगी अपनी खुशी के साथ आते हैं, बच्चे तक मैंने देखा है कि बच्चे तक आकर के खुशी के साथ इस काम को करते हैं, और जो खाना बनाने वाला बंदा है वो भी खुशी के साथ इस काम को कर रहा है। मैं तमाम के लिए, जो हमारे डोनर्स है और जो हमारी खिदमत करने वाली पूरी टीम है, उन सब के लिए हम जजा दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको और ताकत दे, कुव्वत दे, हर एतबार से, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से खिदमत की तौफीक दे उन्हें, और आगे इस काम को करते रहे इंशाल्लाह। इस्लामुद्दीन भाई, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खालिद भाई हमेशा ये बात बोलते हैं कि उमरा में ऐसे कम से कम 10 सेंटर होना चाहिए, 10 सेंटर। मेरे हिसाब से 10 नहीं 15 सेंटर भी करेंगे तो कम हो जाएगा। लेकिन अहले खैर हजरात जितने हैं, इसके लिए अगर आगे आएंगे तो ये काम और बढ़ सकता है और लोगों को फायदा और पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से आते, मैं जगह का नाम नहीं बता, लेकिन उमरा स्टेशन से भी लोग आ रहे हैं, भोलेनाथ नगर से भी लोग आ रहे हैं, मतलब ये बगैर जरूरत के लोग नहीं आएंगे यहाँ, ये जरूरत के लोग है। तो सभी लोगों ने इस चीज की फिक्र करना चाहिए ताकि ये काम को बढ़ावा मिले और ये काम और बढ़े। पिछले साल तो हम लोग 21,000 थे, इस वक्त हमारा टारगेट 25,000 प्लस था, लेकिन हम लोग की शुरुआत 500-600 से होने वाली थी, लेकिन 800 प्लस से शुरुआत हुई है। और आज ताक रात है, 21 रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 क्रॉस, मतलब 1,000 प्लस चलेगा पूरे 10 दिन। तो इंशाल्लाह हम लोग 25,000 से ज्यादा हो जाएंगे लोग। हर पकवान जो हम खाते हैं, जो हमारे घर में खाना पकता है, वही खाना हम यहाँ के लिए भी बनाते हैं, जैसा दाल गोश है, बिरयानी है, पुलाव है, हर चीज है। मेरे ख्याल से एक चीज बनने के बाद उसका दूसरा नंबर आने के लिए 10 दिन जाते हैं, कम से कम 10 दिन जाते हैं। इंशाल्लाह इस वक्त ईद के लिए जितने लोग हमारे यहाँ सहरी लेने आते हैं, उन सब के लिए हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ईद का एक जोड़ा, नया जोड़ा, नया कपड़ा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं रमजान का पस मंजर है और आखिरी अशरा शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि टारगेट हम लोगों ने रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर ही हम लोग चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और सारे प्रोजेक्ट्स का लॉन्च करने की हमारी कोशिश रहेगी। और बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे तमाम आवाम से कि इस काम को आके देखे और इस काम को समझे और इसमें अपने खलूस के साथ इससे जुड़े, चाहे वो जैसे हो, चाहे वो अपने
जिस्मानी तौर पर हो या माली तौर पर हो या कैसे भी हो, हमें राहत दे सकते हैं आप इस काम में बढ़ाने के लिए आपकी बातों से, आपकी मेहनतों से और आपके माल से। और जैसे भी इसमें ताउन करना चाहे, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इंशाल्लाह आप आए और ताउन करें।